लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। चर्चा के विषय में आज हम लोग बात करेंगे, सरकार किसको कहते हैं, व्हाट इज गवर्नमेंट। यह हमारी चर्चा का आज का टॉपिक है। अनेक विद्यार्थियों ने इस बात पर सवाल किया कि सर राज क्या है और सरकार क्या होता है, राज और सरकार में अंतर पाया जाता है। यह राजनीति विज्ञान की सामान्य एक अवधारणा है कि राज एक अमूर्त संगठन है जिसका मूर्त स्वरूप सरकार होता है, क्योंकि राज्य की इच्छाओं और उसके उद्देश्यों को लागू करने का काम सरकार का होता है। यहाँ पर आपके मन में एक बात होगी कि राज्य किसको कहते हैं और सरकार किसको कहते हैं, इसलिए चर्चा के विषय में आज हम लोग इसी बिंदु पर बात करेंगे कि आप सरकार को कैसे पहचान पाएंगे कि क्या नौकरशाही सरकार है, राष्ट्रपति सरकार है, प्रधानमंत्री सरकार है, संसद या विधायक सरकार है, किसको सरकार के रूप में हम जान सकते हैं, किसको सरकार के रूप में हम पहचानेंगे। इसी बिंदु पर हमारी आज की चर्चा है। आपके अवधारणात्मक अध्ययन और ज्ञान के लिए ये क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट होगा। देखिए, सरकार की बात करने से पहले आपको समझना है कि राज किसको कहते हैं। राज को भी समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि राज के एक राजनीति वैज्ञानिक अवधारणा है और दूसरा इसकी एक अवधारणा राजनीति विज्ञान के संदर्भ में है और दूसरा इसके अवधारणा संविधान के संदर्भ में है। अगर राज को समझना है राजनीति विज्ञान के अनुसार, तो आपको मालूम होगा कि राज के चार महत्वपूर्ण तत्व हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता, सरकार एवं संप्रभुता। इसलिए यह कहा जाता है कि राज्य उसे कहते हैं जिसके अपनी एक जनसंख्या हो कम या अधिक, जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करता हो और जिसके अपनी एक सरकार हो जो आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र हो, उसको राज्य कहते हैं। बट अब यहाँ पर राज्य को अगर समझना है संविधान के संदर्भ में, तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य को परिभाषित करते हुए बताया गया कि राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व आते हैं, जब तक कि उनमें कोई परिवर्तन या संशोधन न कर दिया जाए। संघ की कार्यपालिका, संसद, राज्य की कार्यपालिका, राज्य का विधानमंडल, स्थानीय सरकार और अन्य प्राधिकारी राज्य के अंतर्गत आते हैं। बट राज्य की यह अवधारणा अमूर्त अवधारणा है। राज्य को इसका अर्थ है कि हमने देखा नहीं, हम जिसको देखते हैं वह होता है सरकार, और अनेक बार पर्याय के रूप में हम राज्य और सरकार का प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन पर्याय के रूप में राज्य और सरकार का प्रयोग करना नितांत अवैज्ञानिक और त्रुटिपूर्ण है। इसलिए आपको समझना है कि आखिर सरकार किसको कहते हैं, जिसके द्वारा राज्य के इच्छाओं और उसके गतिविधियों का वास्तविक रूप में, व्यावहारिक रूप में क्रियान्वयन किया जाए, उसको हम सरकार कहते हैं। सरकार को समझने के लिए आपको यहाँ यह बात जानना होगा कि सरकार के कितने अंग होते हैं। न हम राष्ट्रपति को, न प्रधानमंत्री को, न राज्यपाल को, न ही मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद को, न किसी विधानमंडल या केंद्र की संसद को अकेले में हम सरकार के नाम से संबोधित नहीं कर सकते। इसलिए अगर यह सवाल आपका है कि सरकार किसको कहते हैं, सरकार किसे कहा जाता है, तो हम लोग इसी बात का उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे हैं।
आखिर सरकार किसे कहते हैं। ना एक बात आपने समझ लिया, आ एक बात समझा है कि यह राज्य का मूर्त स्वरूप है जिसके द्वारा राज्य की इच्छाओं को क्रियान्वित किया जाता है व्यावहारिक जगत में। सरकार को समझने के लिए सरकार के तीनों अंगों को समझना होगा। एक है इसका अंग विधायिका, दूसरा है इसका अंग कार्यपालिका और तीसरा है इसका अंग न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों अंगों को मिला करके सरकार कहते हैं। ये तो एक सरकार है, लेकिन इस सरकार के अलावा भी एक और सरकार होती है जिसको हम नौकरशाही सरकार कहते हैं। इसीलिए यह कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। आर्टिकल 315 में उल्लिखित आई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होने वाली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर योग्यतम अभ्यर्थियों को नियुक्त करने की सिफारिश इस संस्था के द्वारा सरकार से किया जाता है। इसलिए वह सरकार के एक पार्ट के रूप में नौकरशाही के द्वारा भी काम किया जाता है। इसीलिए किसी भी युवा और युवती के महत्वाकांक्षा के ऊपर एक आस्था है कि अगर हम सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का सदस्य नहीं बन पा रहे हैं तो अफसोस करने की बात नहीं। अगर हमारे अंतर्गत दम कम है, प्रतिभा है और अगर हमने इसको चैलेंज और चुनौती के रूप में स्वीकार किया है तो ठीक है, यहाँ तो जाना मुमकिन नहीं है लेकिन हम नौकरशाही में शामिल हो सकते हैं। ऐसा हमने संकल्प लेने की आवश्यकता है और संकल्प हम लेते भी हैं। तो देखिए, ये तीन अंगों को मिला करके सरकार कहते हैं। इसलिए सिंपल एक वाक्य में अगर कहा जाए कि सरकार किसको कहते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिला करके सरकार कहा जाता है। अब आपको समझना होगा कि आखिर विधायिका सरकार का कौन सा अंग है। विधायिका सरकार का वह अंग है जिसके द्वारा कानून का निर्माण और संविधान में संशोधन किया जाता है। क्या कानून का निर्माण और संविधान में संशोधन करते हैं। इसके दो आधार हैं, एक केंद्र की विधायिका और दूसरी राज्य की विधायिका। केंद्र की विधायिका का नाम है संसद और संसद का गठन होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राष्ट्रपति किसी सदन का निर्माण नहीं करता है लेकिन वह संसद का फिर भी अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग इसलिए है क्योंकि राज्यसभा लोकसभा के द्वारा पारित किया गया कोई भी विधेयक कानून तभी बन पाएगा जबकि उसके ऊपर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर किया गया हो। इसलिए यहाँ पर आपको आएगा कि संसद के सदन हैं तो आपको दो लगाना है, संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिल। राज्य के विधायिका को कहा जाता है राज्य विधान मंडल। राज्य के विधायिका का नाम है राज्य विधान मंडल और इसका भी गठन होता है राज्यपाल से, राज्य के विधान परिषद से और विधान सभा से, विधान सभा से, विधान परिषद या उच्च और विशेषज्ञ सदन होता है क्योंकि यहाँ पर अनेक स्थानों से अनेक क्षेत्रों के विशेषज्ञ लोगों को शामिल किया जाता है। विधानसभा राज्य के
निम्न सदन कहलाता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आया होगा कि विधायिका किसको कहते हैं। सिंपल है, जिसके द्वारा कानून का, विधि का, अधिनियम का निर्माण किया जाए उसको विधायिका कहते हैं। और विधायिका के बाद आपको समझना है सरकार के अंग के रूप में कि कार्यपालिका किसको कहते हैं। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जिसके द्वारा कानून को, विधायिका के द्वारा निर्मित कानून को लागू किया जाता है। कार्यपालिका में भी दो है, एक केंद्र की और दूसरा राज्य की। केंद्र की और राज्य की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका में भी दो है, एक नाम मात्र की और दूसरा वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका आशक्ति है किसमें, राष्ट्रपति में, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है किसमें, प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद में। इसलिए आपको प्रश्न के रूप में आया कि शासन का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री, जबकि राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है, संविधान का अध्यक्ष कौन है, या संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन है, आपको लगाना है राष्ट्रपति, क्योंकि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका में भी दो है, एक नाम मात्र की यह शक्ति है राज्य के राज्यपाल में, और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति यह कार्यपालिका शक्ति पाई जाती है किसमें, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद में, राज्य के मंत्री परिषद में, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री यह राज्य में शासन का अध्यक्ष है, जबकि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्य में राज्यपाल होता है। राज्यपाल की भूमिका अधूरी होती है, एक वह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में और दूसरा राज्य कार्यपालिका के अध्यक्ष के रूप में। इसलिए कहा जाता है कि राज्यपाल एक ऐसा संवैधानिक पदाधिकारी है जो दो ताज को धारण करता है। सरोजनी नायडू के द्वारा राज्यपाल के पद पर टिप्पणी करते हुए कहा गया था कि राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान होता है। न्यायपालिका की बात करें, भारत में न्यायपालिका का विभाजन केंद्र और राज्य की न्यायपालिका के रूप में नहीं किया गया, जिसका अर्थ है कि भारत में दोहरी न्यायपालिका के गठन का कोई उपबंध नहीं किया गया है, जबकि अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है, एक संघ की न्यायपालिका, दूसरा राज्य की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका के द्वारा केवल केंद्र के विषय की सुनवाई की जाती है और राज्य के न्यायपालिका के द्वारा राज्य के विषयों की सुनवाई की जाती है। परंतु भारत में संघवाद के इस प्रमुख विशेषता को अस्वीकृत किया गया और अस्वीकृत करते हुए एकहरी न्यायपालिका की अवधारणा को भारतीय संविधान के अंतर्गत लागू कर दिया गया। इसका एक अन्य भी कारण था कि न्यायिक एकरूपता बनी रहे और देश की एकता अखंडता को एक मनोवैज्ञानिक संदेश या मैसेज दिया जा सके। इसलिए न्यायपालिका का गठन भारत में सीढ़ी नुमा किया गया है। सबसे नीचे यहाँ लोअर कोर्ट का गठन है, जिसको अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। उसके ऊपर राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन किया गया और राज्य में उच्च न्यायालय का गठन किया गया और सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय का गठन पाया जाता है। इसी उच्चतम न्यायालय को अंतिम अपीलीय न्यायालय भी कहा जाता है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा होगा कि सरकार किसको कहते हैं। हम लोगों ने इसी उत्तर को खोजने का प्रयास किया। आपको एक एक बिंदु पर
हम लोगों ने डिस्कशन किया और हमको ऐसा लगता है कि आपको अब इस बात में कोई असुविधा नहीं होगी इस सवाल का जवाब देने में कि सरकार किसको कहते हैं और राज्य किसको कहते हैं। सरकार उसको कहते हैं जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही अंग सम्मिलित होते हैं। टीजीटी, पीजीटी, आईयूसी, एनडीआरएफ तथा आरबीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए हमारा नया बैच 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 15 अगस्त तक इसमें आपको एडमिशन ले लेना है। एडमिशन लेने के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे इस नए बैच में वही फीस होगी जो कि पहले बैच में था। इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है ना। अब हमारा जो पुराना बैच चल रहा है, जो फर्स्ट बैच था, उसमें एडमिशन न लें। नया बैच हम लोग 16 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए नए बैच में एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट है। 15 अगस्त तक आप एडमिशन करा लें, 16 अगस्त से आपको वीडियो और क्लासेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, ये तो महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी थी। क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।